हाय गाइस, तो आज से हम लोग हमारे जो है क्लासेस है वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि मैम प्लीज़ हेयर क्लासेस वापस स्टार्ट कीजिए, तो अभी हमारा मेकअप और हेयर क्लास मैं एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे को डालूंगी, सो डोंट वरी। और वर्कआउट के जो भी वीडियोज है गाइज, वो मैं शॉर्ट्स के इसमें डालूंगी, मतलब शॉर्ट्स आएगा आपको रोज, जो आपको ऐप का वर्कआउट करना है ना, वो एप्स के वर्कआउट में आपको शॉर्ट्स में डालूंगी। तो प्लीज शॉर्ट्स देखना जिनको भी वर्कआउट करना है। और नॉर्मली ट्यूसडे और फ्राइडे को जो मेकअप के वीडियोस और हेयर के वीडियोस जो आते हैं वही आएंगे। ओके, सो डोंट वरी। सो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डच ब्रेड सीखने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग दिखता है ये डच ब्रेड, तो मैं आप लोगों को साइड में डच ब्रेड कैसे डालना है ये भी दिखाऊंगी, नॉर्मल डच ब्रेड भी दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग एक ऐसे पीछे डच ब्रेड डालेंगे। तो पहले आपको ये सेक्शन लेना है, ट्रायंगल सेक्शन लेना है आपको। आपका जो भी टेल कॉम्ब है उसके हेल्प से आप लोग एक नॉर्मल एक ट्रायंगल में सेक्शन ले लीजिए। ओके, तो ऐसे मैंने एक यहाँ पे पूरा से एक यहाँ से लेके यहाँ पे और यहाँ पे सबको थोड़े से बाल लेने हैं सामने के साइड में। डच से अभी ये जो आपने बाल लिए हैं उसमें आपको कैसे डच ब्रेड डालना है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको तीन स्ट्रैंड्स लेने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपके तीन स्ट्रैंड्स है। तो नॉर्मल चोटी कैसे डालते हैं हम लोग, ये सेंटर जो स्टैंड है उसके ऊपर साइड के स्ट्रैंड्स आते हैं, राइट? ऐसे डालते हैं हम लोग नॉर्मल, मतलब सेंटर वाले के ऊपर जाता है पहला स्ट्रैंड और फिर यहां से ये वाला स्ट्रैंड आता है, और ऐसे हम लोग नॉर्मल चोटी डालते हैं। बट डच ब्रेड में क्या होता है, जो सेंटर वाला स्ट्रैंड है ना उसके नीचे से जाते हैं दोनों भी स्ट्रैंड्स। तो वो कैसे जाएगा? स्टैंड है ये आपका सेंटर स्टैंड है, ये पहला है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो यहां से स्टार्ट किया अगर मैंने, तो ये थर्ड वाला स्ट्रैंड अभी सेकेंड के बीच में आ गया है। तो क्या हो गया, ये अभी आपका सेंटर स्ट्रैंड हो गया है, तो ये अभी सेंटर हो गया है, थर्ड वाला अभी बीच में आ गया। फिर ये जो फर्स्ट वाला है ये अभी वापस यहां पे सेंटर में आएगा, और फिर ये वाला जो है ये अभी सेपरेट रहेगा। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा बाल लेने हैं और फिर इसको अभी इन दोनों के बीच में सेंटर में डालने गए। जैसे ये डालोगे ये सेंटर में आ जाएगा और ये साइड में आ जाएगा। तो ये जो साइड में आता है ना वहां पे आपको बाल लेने हैं और सेंटर में उसको डालते जाना है, बीच में। दो स्ट्रैंड्स आपको दिखेंगे ना उसके बीच में आपको डालते जाना है। तो अभी मैंने आपको फिंगर से थोड़ा दिखाया ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा आइडिया मिले। अभी मैं आप लोगों को बालों के साथ दिखाती हूँ कैसे करना है। ये आपने जो लिया है अभी आपके दो फिंगर्स लीजिए और ऐसे बीच में डालिए, तो आपका तीन स्ट्रैंड आपको मिल जाएंगे। ओके, ये हो गया एक स्ट्रैंड, ये हो गया सेकेंड स्ट्रैंड, और ये हो गया आपका थर्ड स्ट्रैंड। तो गाइज ये तीन स्ट्रैंड्स मिलने के बाद ये जो एक स्ट्रैंड है ये आपको रखना है आपके राइट हैंड में, और ये जो दो स्ट्रैंड्स है ये मैं रख रही हूँ अपने लेफ्ट। तो ये हो गया राइट स्ट्रैंड, ये मैंने यहाँ पे अभी के लिए मैं छोड़ रही हूँ ऐसे ताकि मैं आपको ये वाला दिखाऊं। तो ये जो दो स्ट्रैंड्स है लेफ्ट साइड, फर्स्ट स्ट्रैंड को मैंने अपने अंगूठे के बीच में ऐसे पकड़ लिया है, और सेकेंड स्ट्रैंड जो है उसको मैंने मिडिल स्ट्रैंड जो है उसको मैंने अपने मिडिल फिंगर के ऊपर ऐसे रख दिया है। तो एक स्टैंड यहाँ पे है, एक स्टैंड मेरा यहाँ पे है, और ये मेरा जो तीसरा स्टैंड है वो मैंने अपने ये मैंने अपने राइट हैंड में पकड़ लिया। ये जो मेरा राइट स्टैंड है ना, ये जो क्या कर रही हूँ मैं अभी, ये जो मेरा सेंटर स्टैंड है उसके बीच वाले स्टैंड के नीचे से ले रही हूँ। तो अभी क्या हो गया, बीच वाला स्टैंड साइड में आ गया, साइड वाला था वो अभी बीच में आ गया है, तो यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट, बीच में था वो मेरा अभी राइट हैंड में आ गया है। अभी इतना करने के बाद ये जो लेफ्ट में जो है आपको क्या करना है, डच ब्रेड में आपको नीचे से लेना है। तो ये जो दो है इसमें जो बीच में आपको दिख रहा है ये बीच में है, राइट? तो ये बीच में जो है उसके नीचे से आएगा ये वाला स्ट्रैंड और फिर ये। तो आपको हर एक स्ट्रैंड को सेंटर में लाना है, बस इतना याद रखना है। अभी ये जो साइड में जो बच्चा है अभी ये दो क्रॉस हो गए हैं यहाँ पे, ये जो दो स्ट्रैंड्स है ये यहाँ पे क्रॉस हो गए हैं वो यहाँ पे, और जो ये अकेला है ना यहाँ पे, तो उसके साथ मैं थोड़े से यहाँ पे बाल ले रही हूँ।
कंघी से ले सकते हो या हाथ से भी। सागर चोटी में हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंच ब्रेड में हम लोग ऊपर से चोटी डालते हैं, और डच ब्रेड में भी वैसे ही करना है, बट हम लोग नीचे से डालते हैं चोटी। दैट्स इट। तो अभी ये मैंने लिया है, तो ये जो अकेला था स्ट्रैंड, उसमें मैंने थोड़े एक्स्ट्रा भी बाल ले लिए, और एक्स्ट्रा बाल लेने के बाद क्या कर रही हूं मैं, ये जो दोनों क्रॉस हो गए हैं, इसके जो सेंटर में बीच में लाना है आपको, बीच में। ओके, ये जो दो क्रॉस दिख रहे हैं ना, तो इसके बीच में आपको ये यहां पे लेके आना है, यहां पे। और फिर अभी ये हो गया है यहां पे, ये साइड में, और ये हो गया है यहां पे। और अभी ये जो अभी सेपरेट है, उसके साथ आपको वापस लेना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको स्टार्टिंग में, बट आप जब भी देखोगे ना ठीक से, और आपको लॉजिक एक बार समझ में आ गया ना, तो बहुत इजीली कर लोगे। तो अभी ये जो दो स्टैंड है, ये मेरा दोनों भी राइट हैंड में है। अभी ये एक स्टैंड है और ये सेकंड स्टैंड है, और ये जो है इसके साथ, ये जो अकेला था स्टैंड, इसके साथ मैंने थोड़े बाल अभी ऐड कर लिए है, और इसको मैंने लिया है अभी इसके नीचे से, सेंटर में। ओके, ऐसे। अभी ये सेंटर में लेने के बाद मैं ये दो अभी साथ में रख रही हूँ। अभी क्या कर रही हूँ मैं, यहां से तो अभी ये दो क्रॉस हो गए हैं यहाँ पे, तो इन दोनों को आपको एक ही हाथ में रखना है, और फिर यहाँ पे जो ये अकेला है ना, उसके साथ आपको थोड़े से बालों को ऐड करते जाना है। तो ये अभी मैंने बाल ले लिए हैं, थोड़े ले लिए हैं। ये बाल लेके आपको क्या करना है, अभी ये जो सेंटर है ना, इन दोनों के बीच में लेके आना है। इन दोनों जो, ये दोनों जो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं आपको, ये दोनों स्ट्रैंड्स, ये हाथ में जो दो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ना, इसके बीच में आपको ये वाला जो ऐड किया है ना बाल, अभी इसको लेके आना है। तो कैसे लेके आऊंगी मैं, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लेके आऊंगी सेंटर में, सेंटर में, और फिर यहां से इसको मैं यहाँ पे खींचूंगी ताकि वो सेंटर में आ जाए। ओके, तो अभी समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो अब धीरे धीरे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया एक, टाइट करना है बस ब्रेड। अभी ये एक सेपरेट है अकेला यहाँ पे, तो उसको छोड़ दीजिए, और ये जो दो है इसको क्रॉस करके यहाँ पे आपको एक ही हाथ में पकड़ना है। अब ये जो अकेला है, इसके साथ आपको थोड़े से बाल अभी लेने हैं। तो ये अभी मैंने थोड़े से बाल यहाँ पे लिए हैं, और फिर ये हाथ में ये जो दो स्ट्रैंड्स है मेरे, इनके सेंटर में, मतलब यहां पे लेके आना है इसको। तो इसको यहां पे लेके आने के लिए ये मैं साइड में लूंगी, और फिर ये यहां पे लेके आऊंगी। ओके, और फिर टाइट सर के बाद ऐसे पास पकड़ो हाथों को, ताकि टाइट आए आपकी चोटी एकदम। ये हो गया अभी एक, अभी वापस ये अकेला है, तो अभी इसके साथ वापस अभी थोड़े से बाल लीजिए। थोड़ा यहाँ पे ऐड कर लीजिए इसको, ऐड करके ये अभी एक हाथ में है, और ये दो हाथ में जो क्रॉस है, इसके सेंटर में, मतलब यहाँ पे लेके आना है। तो मैं नीचे से यहाँ पे ऐसे पकड़ूंगी इसको, और फिर ये जो सेंटर वाला है ना इधर, उसको साइड में लेके आऊंगी। टाइट करते जाना है आपको। ये मुट्ठी में से नजदीक पकड़ती हूँ, और फिर आपको क्या करना है, अभी अभी ये दोनों यहाँ पे आ गए, और ये एक अकेला है, तो इसके साथ अभी मैं इसको बालों को ले रही हूँ। बालों को लेके स्कूप कर रही हूँ थोड़े बाल, और अंडर स्कूप, अंडर स्कूप, अंडर ऐसे करना है आपको। और फिर ये यहाँ पे थोड़े से बाल ले रही हूँ, यहाँ पे लेफ्ट में ले रही हूँ थोड़े बाल, और इसको सेंटर में लेके आ रही हूँ, और ये जो सेंटर वाला है इसको साइड में लेके आ रही हूँ ऐसे। भी जो सेंटर में है इसको यहाँ पे लेके आ रही हूँ, इसको अभी वापस थोड़े बाल लीजिए अच्छे से,
और इसको सेंटर में लेके आइए। तो गाइस अभी इतना हो गया है हमारा करके, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। आपको बस ये वाला, ये जो तो क्रॉस में होते हैं ना, ये जो दो क्रॉस में होते हैं वो आपको एक हाथ में पकड़ना है, और जो सिंगल है उसको सेपरेट रखना है, उसमें आपको बालों को ऐड करना है और उसको वापस इधर सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाते हो क्या करना है, ये बीच वाला जो फिंगर है ना उसमें उसको लेना है, और जो बीच वाले फिंगर के ऊपर था मिडिल स्टैंड वो फिर साइड में आ जाएगा। ऐसे ही अभी वापस इसको लीजिए, वो ब्रेड बनाना है, दैट्स इट। ये हो गया एक, और फिर ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, आपको बस ब्रेड बनाना है। इसको बस लास्ट तक आपको नीचे से ही लेना है। नॉर्मल चोटी में हम लोग ऊपर से लेते हैं, इसमें आपको नीचे से लेना है। दिख रहे हो कितना प्यारा दिख रहा है। अभी पुल करना है आपको, तो ऊपर के साइड ऐसे पुल करना, ऊपर यहाँ पे भी थोड़ा सा पुल करना है आपको, ये यहाँ पे। तो ये हो गया है गाइज डच ब्रेड। गाइज ये अभी डच ब्रेड हो गया है। अभी हमने पीछे से कैसे डच ब्रेड करना है ये देखा, अब मैं आपको साइड से कैसे डच ब्रेड करना है ना ये दिखाऊंगी। इस साइड से करते वक्त आपको क्या करना है, सेंटर पार्टीशन करना है, तो गाइज बीच में से पार्टीशन कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे रखा है करके रख रही हूँ, और फिर हम लोग अभी ये वाले सेक्शन पे काम करेंगे। अच्छे से कोम कर लीजिए पहले। तो अगर आपको डच ब्रेड वहाँ पे, मतलब जो पहले मैंने दिखाया वो नहीं भी समझा होगा तो ये वाला ठीक से देख लेना। तो क्या करना है अभी आपको, सबसे पहले 2 इंच का उसका टू फिंगर्स का एक 2 इंच का इतना एक सेक्शन लेना है, इतना जब आपको साइड से डच ब्रेड डालना है। तो ये पूरा मैंने इतना सेक्शन लिया है, और अभी इसको वापस आपको क्या करना है, इसको ये जो सेक्शन अभी लिया है हमने इसको वापस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो गया 3 पार्ट्स में डिवाइड। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद खड़े रहिए क्लाइंट के। तो अभी 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसके बाद जो कान के बाजू में जो ये जो सेक्शन है ना पहला सेक्शन, इसको आपको ये दोनों सेक्शन के, मतलब 3 सेक्शंस है तो पहले 2 सेक्शन के बीच में आएगा ये तीसरा वाला सेक्शन, ओके। और ये जो है पहला सेक्शन, ये अभी इन दोनों के बीच में आएगा ऐसे, ओके ऐसे। तो आई होप अभी ये समझ में आ रहा है आपको। अभी ये जो सेक्शन है अभी पहला वाला जो अकेला है यहाँ पे, और ये जो 2 सेक्शन है ये मेरा राइट हैंड में है, तो ये जो अकेला है उसके साथ थोड़े से बाल यहाँ पे मैंने लिए हैं, बाल लेने के बाद आपको क्या करना है, ये बाल ले लिए, ये जो दोनों है सेक्शंस जो ये हाथ में है दिख रहा है आपको ठीक से, ये वाले जो 2 सेक्शंस है ये और ये जो मैंने एक ही हाथ में पकड़ा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा मैंने बाल लेके जो स्टैंड लिया है ये वाले हाथ का, इसको अभी इधर आपको बीच में लाना है मिडिल फिंगर की हेल्प से, और फिर ये हो गया यहाँ पे आ गया। अभी ये एक हाथ में होगा, अभी ये जो सेपरेट है
इसको आपको यहाँ पे आप भी लेना है बस, और फिर ये यहाँ पे सेंटर में आएगा वापस। वापस ये यहाँ से थोड़े बाल लीजिए, ये जो स्टैंड है इसके साथ लीजिए और ये सेंटर में लेके आइए इसको। आपको सिर्फ देखना है कि एक हाथ में जो ये दो स्ट्रैंड है ना, इसके बीच में आपको ये जो अभी आप बाल जो ऐड करोगे ना उसको लेके आना है। इतना एक लॉजिक आपको पता चल जाएगा तो उसके बाद आपको कोई वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है गाइस, आपको खुद ही पता चलेगा कि ठीक है अभी मैंने यहाँ पे बाल ऐड किए हैं, मैं बाल ऐड करती हूँ वो मुझे लेके आना है सेंटर में। किसके सेंटर में? ये जो तो ऑलरेडी है उसके सेंटर में। तो ये जो मिडिल वाला फिंगर है इसके नीचे मैंने इसको लिया है और ये यहाँ पे ऐसे लिया है ऐसे, ओके। और फिर वापस इसके साथ थोड़े से बाल लीजिए, यहाँ पे लाना है। और ये जो है इसको आपको ऐड करना है बाल यहाँ पे, और ये जो सेंटर वाला फिंगर है ना मिडिल फिंगर, इसके नीचे से मैं इसको लेती हूँ और इसका ऊपर वाला जो रहता है सेंटर वाला जो पहले था मेरा वो मैं साइड में ले लेती हूँ ऐसे, ओके। अभी वापस यहाँ पे जो बाल है उसके साथ मैंने थोड़े से बाल ऐड किए, मिडिल फिंगर के नीचे से मैं लेती हूँ जो बाल मैंने ऐड किए हैं अभी इसके साथ, जो नया स्ट्रैंड है ना उसको मैं नीचे से लेती हूँ और जो ऊपर से है ये वाला स्ट्रैंड इसको साइड में ले लेती हूँ। ये थोड़ा सा आपको अभी कंफ्यूजिंग लगेगा गाइस, बट आप ठीक से देखोगे और मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दोगे ना तो आपको तुरंत से पता चलेगा। जो अकेला है अभी, ये दोनों क्रॉस है तो एक ही हाथ में है, उनको कुछ नहीं करना है। जो एक अभी अकेला है उसके साथ बालों को ऐड कीजिए, बालों को ऐड कीजिए और इसके बीच में आपको लेके आना है। जैसे आपको कंफर्टेबल है लेके आइए, बस आपको इसके बीच में ऐसे लेके आना है, दैट्स इट। और टाइट रखिए ग्रिप को, और फिर ये यहाँ पे बार बार वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। और फिर वापस अभी ये यहाँ पे थोड़े से बाल लेने हैं और ये यहाँ पे लगाना है, और फिर ये थोड़े से बाल यहाँ पे लेने हैं सेंटर में लेके आइए, टाइट रखिए ग्रिप को। इसको लेके आइए तो ऐसे आपको अभी ये एंड तक लेके जाना है। तो अभी कोई एक्स्ट्रा बाल तो नहीं है ऐड करने के लिए, अभी बस आपको चोटी बनानी है। तो चोटी बनाने में भी बस आपको नीचे से लेके आना है, दैट्स इट। ऊपर से नहीं लाना है, नीचे से लाना है। ये अभी एकदम क्लियरली आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे नीचे से लेके जाना है। ये तीन स्ट्रैंड्स है राइट, तो ये इसके सेंटर में आएगा। अभी ये वाला इसके सेंटर में आएगा, नीचे से आएगा बस। डच ब्रेड में नीचे से जाता है, फ्रेंच ब्रेड में नॉर्मल छोटी में ऊपर से आते हैं स्ट्रैंड्स एक के ऊपर एक, उतना ही फर्क है। इसको सिक्योर करना है, अभी हम लोग ये साइड में करेंगे ऐसे ही से। टू फिंगर रखिए यहाँ पे, टू फिंगर का आपको डिस्टेंस लेना है, इतना आपको एक यहाँ तक लेना है पूरा, ओके। कान के यहाँ पे इतना छोड़ सकते हो, ऊपर तक यहाँ तक ले लीजिए, इतना आपको सेक्शन लेना है। इतना सेक्शन लीजिए और फिर इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। तीन पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो कानों के यहाँ पे जो सेक्शन है उसको सबसे पहले आपको, तो मैं हमेशा ऐसे पकड़ती हूँ ताकि जो ग्रिप है वो टाइट आए और आपकी चोटी एकदम टाइट आए,
तो ये हो गया एक, और जो सेकेंड स्ट्रैंड है उसको मैं अपने मिडिल फिंगर के ऊपर रखती हूँ, और जो पहला है उसको अपने छोटा फिंगर जो है ना उसके अराउंड रखती हूँ, और इसको मैं अपने मिडिल फिंगर के ऊपर रखती हूँ, और ये राइट हैंड में है। तो अभी पहले तो कानों के यहाँ पे जो है उसको मैंने यहाँ पे मिडिल फिंगर के नीचे ले लिया, तो मिडिल फिंगर के ऊपर वाला जो स्टैंड था वो साइड में आ गया अभी। तो जो बीच में है वो साइड में आता है, जो साइड में है वो बीच में जाता है। अभी ये साइड में है, इसको अभी बीच में लेके आइए ऐसे। अभी ये दोनों क्रॉस हो गए हैं यहाँ पे, और ये जो तो ये एक अकेला जो है उसमें आपको बालों को ऐड करना है। बालों को ऐड कर लीजिए, ऐड करके आपको इसके मिडिल फिंगर के नीचे से लेके आइए उसको। तो जो ऊपर रखते हैं ना हम लोग स्टैंड को, बीच वाले स्टैंड को, वो अपने आप ही साइड में आ जाता है। अभी वापस यहाँ से लीजिए और फिर ये यहाँ पे आएगा। थोड़े बाल ऐड करके मैंने सेंटर में ले लिया है। अभी वापस इसको यहाँ पे रखिए, इसको यहाँ पे रखिए, इसमें थोड़े से बाल ऐड कीजिए। थोड़े से बालों को ऐड करना है आपको यहाँ पे, ऐड करके इसको मिडिल फिंगर के नीचे से लेके आइए, जो ऊपर है वो साइड में आ जाएगा। बस थोड़े थोड़े बाल आपको ऐड करने हैं और उसको सेंटर में लेके आना है नीचे से, मगर दैट्स इट। ऐसे ही आपको ये पूरा भी कंप्लीट करना है। ऐसे ये यहाँ पे थोड़े बालों को ऐड करना है, यहाँ पे लेके आइए इसका। इसको पुल कीजिए ऊपर की तरफ ऐसे। रबर बैंड यहां पे लगाने से पहले ही पुल कर लीजिए। तो गाइज ये हो गया है डच ब्रेड। अभी ऐसे साइड में आप डालने के बाद इसको ऐसे यू नो ऐसे रोटेट करके ऐसे बन भी बना सकते हो यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे ऐसे ये करके ऐसे प्यारा सा ऐसे बन भी आप लोग ऐसे बना सकते हो। आप यू पिन से सिक्योर करके आप लोग ऐसे बन भी बना सकते हो। तो अगर आपको नज़दीक से भी देखना है तो एकदम प्रॉपर आया है, और क्योंकि हमने दो फिंगर का यहाँ पे छोड़ा था, दो फिंगर का यहाँ पे छोड़ा था, तो एकदम लाइन में यहाँ पे एकदम स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है। आपको अभी समझ में आया है कि कैसे आपको करना है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है गाइज तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिश टेल, फ्रेंच ब्रेड ये भी सब सिखाऊंगी। और अगर डच ब्रेड में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बताऊंगी ठीक है क्या क्या बोला है वो ठीक से सुन के फिर आप करोगे ना तो हो जाएगा। ओके सो सी यू ऑल इन फ्राइडेज वीडियो गाइज, टिल देन बाय एंड टेक केयर।